जिंदगी एक ऐसी मोहब्बत है। अच्छा जी, मैं सोच तो बेसिक यही है, ये फैमिली सब अमेरिका में। सच, अब वो जो आप बता रहे थे वापस आज। हाँ वो ये था कि वही दिए कौम पाकिस्तानी जो मैंने देखी ऐसी कौम है कि इनको अब कदीर खान का बताते हैं साइंटिस्ट जिस एटॉमिक बम बनाया उससे लेके एक गाने वाले तक का। अब आप फॉर एग्जांपल कहें यार ये आतिफ असलम बहुत अच्छा गाता है, कहें आतिफ असलम बहुत अच्छा गाता है तो यार इन्होंने मेरे मामूजाद भाई भी सुनो औरंगी में रहता है ऐसा गाता है बिल्कुल हो गया आतिफ असलम तो कुछ भी नहीं बच्चा है भाई ये करके अब आप बोले यार ये कदीर खान ने इसे एटॉमिक बम बनाया। कदीर खान है ना उन्होंने एटॉमिक बम बनाया। कदीर खान कौन यार? कदीर खान अच्छा पहचान रहा है लेकिन बोल नहीं रहा कदीर खान कौन है? ये उतने मोटे से अच्छा हुलिया कैसा बताएगा वो उधेड़ो मार के बुढ़े थे कि खान बार अटक रही है। हाँ यार वही मेरे मामू इतने पढ़े लिखे आदमी उस जमाने में ना वो सीक्रेट वो नहीं थी माचिस की जो मसाला होता था उससे बम बनाते थे छोटे छोटे और लोग डर जाते थे बताया बाप यानी ये कौम जब तक कंपेरिजन ना कर ले किसी का मतलब कोई किसी से मिलता है इनके घर के अंदर ही है तो मैंने कहा भाई तो अल्लाह ने तो उसे इज्जत दी ना कदीर खान को तुम्हारे मामू तो अभी तक वो भर रहे कुछ भी भर रहे मसाला चढ़ जो भी है मैंने कहा भाई तुझे से इज्जत मिल रही है उसे तो इज्जत दे दो वो लेकिन हराम है जो मान जाए। अच्छा जब वो कहीं और जाके कन्फर्म होता है तो उस पर भी तपे पे होते हैं फिर क्या कहते हैं गद्दार निकला इंडिया चला गया भाई जब तू मान नहीं रहा था तो वहाँ चला गया भाई बेचारा क्या करता है मतलब सोचने की बात है ना अल्लाह ने वहाँ इज्जत दे दी अब वहाँ से आएगा आएगा ना इसके घर चलाएंगे साथ हड़ताल करेंगे ये भी किया ये वो जब था तो मामूदाद भाई से अच्छा आवाज़ थी जब वो वहाँ जाके उसको इज्जत मिली तो उसके घर पे जाके स्ट्राइक करेंगे यार बिग्गी इसने पता है क्या गाए पाकिस्तान के लिए गाए यानी बता रहा हूँ कि इतनी फ्रस्ट्रेशन वाली बात है कि अजीब सी हैरत अंगेज सी ऐसी कौन मैंने कहा ना कि क्लास कॉन्शियस है तो उससे हर चीज़ डिवेलप होती एक क्रिमिनल आएगा वो बड़ा नाम है जी वो अशफाक कनकट्टा नाम देख कितना बोल रहा है लेकिन सबको खड़ा रहा अरे अशफाक भाई कैसे है सर ये मेरे भाई है रेहान भाई इधर ही होता अच्छा हो उसके भी स्टाइल होंगे हाँ ना अभी मैंने SSP को गालियाँ दी यार एक मिनट यार हाँ यार हाँ उसका छोड़ना है तो चार तक नहीं ये फ्रस्ट्रेशन है आपकी और हम भी सुन रहे हैं इज्जत देंगे जी भाई और सारे सुन रहे हैं और फिर एक सेकेंडली जो मैंने और कौमों में नहीं देखा मैं मिलने आपसे आया हूँ आपके साथ जितने लोग बैठे उनके इंटरव्यू पहले हो गया अरे रेहान भाई कैसे यार ये कौन है भाई इनको नहीं देखा बस बस अब वो तो नहीं है जो करते हैं रिकॉर्डिंग और ही मैं बोलो आप भी सब मिलेंगे यार मैं पता है मेरी एक्टिविटीज़ तो बहुत है अब ये रेहान भाई जिनसे मिल रहे हैं वो तो साइड में हो गए उनको देख ही नहीं वो बुरे लग रहे हैं बाहर इधर उनकी भाई एक मिनट भी बता रहे हैं सबको इन्वॉल्व कर लेगा अलावा उनके जिनके पास आए हैं उनको नहीं करेगा इन्वॉल्व भाई रेहान भाई के पास मिल रहा है उनसे बात करो चले जाओ नहीं उनके जानने वालों से अच्छा फिर एंड क्या होता है बस आप मिस कॉल दें मुझे जरा अब वो बेचारा मिस कॉल दे रहा है बाहर जाके यार वो रेहान भाई बैठे थे ना उसने बात नहीं कर सका मुझे टाइम दे कभी मिले यार सारी सेटिंग क्योंकि रेहान भाई बेचारे चाय पी रहे हैं उन्हें पता ही नहीं क्या हो गया उनके पीछे तो दीज आर द फैक्ट्स। अच्छा वो क्यों करते हैं इस तरह? तो लैक ऑफ एजुकेशन फ्रस्ट्रेशन कुछ बनना है सबको कुछ बनना है यानी अब आपको जब ये ख्वाहिश होगी जी आपको कुछ बनना है फिर आप किसी को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जी मैं ही हूँ मैंने कहा ना अमेरिकन से आप बोले यार ये महमूद है रेस्लर है तो क्या कहेगा और ये वी कैन बी यू नो मे भी है क्योंकि वो समझ रहे हैं ये सच्ची बोल लोग हमारे यहाँ आप कह दें यार ये रेस्लर है एक मारू ना उठेगा नहीं अबे भाई ये कौन कह रहा है मतलब तो एक ये फ्रस्ट्रेशन की चीज़ होती है क्लास कॉन्शियस कौमें जो होती है ना उनमें ये बहुत चीज़ पाई जाती है और जो बहुत सिविलाइज कंट्रीज़ होती हैं ना उनमें ये चीज़ें नहीं होती वो एक्सेप्ट करते हैं हर बात को और एक बहुत अच्छा कॉल भी है कि ये मत देखो कौन कह रहा है ये देखो क्या कह रहा है। तो जितनी मैंने दुनिया में ट्रैवलिंग की जितनी सिविलाइज फॉर्म में देखी बस वो ये सुनते हैं कि क्या कह रहा है हमारे यहाँ हुलिये से एक्सेप्ट किया जाता है कि अगर एक बेचारा रांगड़ कह दे कि आइंस्टाइन की कोई बात बताए और चल यार वो तोल यार एक्सपेक्ट ही नहीं करेंगे उससे कि यार ये कह क्यों रहा है सही है गोरे की नेचर क्या कि उसको आप बताएं कि यार मैथ में एक ऐसा ऐसा प्रॉब्लम्स थी जो मैंने सॉल्व कर दी अब वो है मैथ का स्पेशलिस्ट वो आपसे ज़रूर कंसर्न करेगा क्या जी ऐसे किया था ऐसे किया था मतलब एक्सेप्टेबल है हमारी है ही नहीं यू नो विच इज़ लाइक बैड यू नो। चल लोग एक बात कहते हैं मैं उन लोगों को एक मैसेज ये देना चाहता हूँ कि जी वो हमसे पहले आज़ाद हुए थे
अब मसला ये है भाइयों कि अगर मेरे परदादा ने नहीं पढ़ सके तो चले वो प्रॉब्लम समझ में आती है, जमाने में एजुकेशन लेवल इतना हाई नहीं था तो लोग नहीं पढ़ते थे, पढ़ाई को अच्छा नहीं समझाता था, लेकिन हम जब आज़ाद हुए तो सिविलाइजेशन वॉज ऑन टॉप, एजुकेशन वॉज ऑन टॉप। अब अगर हमारी जनरेशन नहीं पढ़ती तो बदनसीब कहलाएगी, खुश नसीब ये बताएं। चले उसी परदादा के लिए मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि यार रेहान भाई सॉरी यार, वो जमाने में स्कूल कॉलेज में मैट्रिक तक गए, दसवीं जमात पढ़ी, तो आप भी एक्सेप्ट कर लेंगे, आर्ग्यू नहीं करेंगे। लेकिन मैं बोलूँ यार मेरा जो बेटा है वो बिल्कुल नहीं पढ़ा, ठेला लगा रहा है, तो इसमें आप चौंकेंगे। अब देखिए आप बड़ी जी लॉजिकल बात कर रहा हूँ, क्यों नहीं करेंगे कि यार अब तो दौर महमूद भाई ऐसा आ गया पढ़ने का कि रेहान भाई के डॉट कॉम भी चले जाते हैं, रेहान स्कूल डॉट कॉम, सही है, चलो भाई नहीं पढ़ना था स्कूल जाके, अब बचने का कोई बहाना नहीं है। अब हमारी कौम ये कह के जान छोड़ा थी यार वो तो दरअसल आज़ाद हुए थे 200 साल पहले, लेकिन फॉर योर इन्फॉर्मेशन 1986 में अमेरिका वॉज सुपर पावर एट दैट टाइम इवन, लेकिन वहाँ से पाकिस्तान फ़ोन करना एक बहुत बड़ी बात समझी जाती थी। अगर कोई कहता था ना यार पाकिस्तान फ़ोन कर लो अमेरिका में भाई सही है, तो लोग कहते थे यार ये मुझे फ़ोन करने देगा 10 मिनट के लिए, पाकिस्तान करूँ। और आज अब एक घंटे बात करें स्काइप पे करें, यू नो, तो ये मकसद है कि उन कौमों में सिविलाइजेशन जहाँ होती है उन कौमों में ना वो लोग क्लास कॉन्शियस नहीं होते और हर चीज़ एक्सेप्ट करते हैं अच्छी बुरी हर बात। हमारे यहाँ क्या है कि हिडन रखना चाहते हैं। अमेरिका का पाकिस्तानी बच्चा सच बोलता है, उसकी आदत होती है ही डैड आई हैव अ गर्लफ्रेंड, और भाई क्यों बोला, क्योंकि बाप कह रहा है मुझसे छुपाओ और जिस दिन शादी कर लो उस दिन बता देना, घर में टेंशन देना बस, उसकी आदत है, सही बात है। और यहाँ पे क्या छुप छुपा के आप करते हैं जो भी दिल चाह रहे हैं, लेकिन बाहर ना निकालें बातों को। वहाँ का बच्चा क्या है, हे डैड आई एम गोइंग टू द यूनिवर्सिटी एंड द गर्लफ्रेंड आई हैव शी इज़ फ्रॉम पाकिस्तान, ये हैप्पी तो तभी है, क्योंकि उसको झूठ सुनने की आदत है, एहतराम है मुझसे बहस कर रहा है। तो ये नहीं, ये इतने बिग डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से आप अच्छा यहाँ का जो परवरिश किया हुआ आदमी है वो यहाँ का प्रोग्राम हो चुका है, उसकी मेंटेलिटी चेंज होगी नहीं, क्योंकि बचपन में जो प्रोग्रामिंग हो जाए, मैं नमाज पढ़ सकूँ ना पढ़ सकूँ लेकिन मेरे अंदर एक प्रोग्रामिंग हो गई यार ये अजान हो रही गाना नहीं गाना है, अब उसके बाद नमाज नहीं पढ़ा मैं, बस ये प्रोग्रामिंग हो गई यार अब्बा कहते थे अब अब्बा नहीं है कोई, कहना अब प्रोग्राम पक्का हो गया कि अब मैंने कुछ भी करने में नहीं करना कि यार बस अब अजान हो रही गाना नहीं गाना, जैसी अजान खत्म ही शुरू हो गया, सही है। अब ये सारी क्या चीज़ है, अब की प्रोग्रामिंग है, तो हम प्रोग्रामिंग ऐसे हो गए हैं कि एक सौ किसी को एक्सेप्ट नहीं करना है, किसी को अल्लाह इज्जत दे रहा है तो उसके बीच में एक कम से कम मैं नहीं बन सका तो मामूजात भाई को भी डाल दूँ, मतलब इसका तो जलसा खराब हो रहा सामने वाले का। तो बेहतरी कैसे कर सकते हैं, बेहतरी ऐसे कर सकते हैं भाई कि सबसे पहले अब ये क्लीन करें, ये सबसे पहले क्लीन होगा, और ये सोचें यार अगर कोई छोटे आदमी को भी अल्लाह ने इज्जत दे दी तो दे दी बस। अब अगर अल्लाह से बहर है नाउज़ुबिल्लाह तो फिर तो आप, मैंने आपसे कहा ना सबसे पहले आप सही होने के लिए आप क्लास कॉन्शियस जो है ना उसको ख़त्म करें, ये बड़ा आदमी है इसको ये मीडियम है के डी एम है कौन से, अच्छा हैरत अंगेज बात बताऊँ, ये ग्रेड सिस्टम ख़त्म होने चाहिए, किसी सिविलाइज फॉर्म में मैंने ग्रेड सिस्टम नहीं देखे। वो ग्रेड क्या होता है, वो किसी को डराने के लिए होता है यार, 22 ग्रेड ऑफिसर आपके भाई के घर आता है, यकीन मानिए बढ़ाई हो रही है, ये काबिलियत की बात थोड़ी है। आप अमेरिका में किसी से बोल रहे हैं कि यार मेरे पास वो आता है डायरेक्टर ऑफ वट एवर लाइक सेक्रेटरी, वो क्या क्या वो केयर्स मैम मुझे क्या है, हमारे यहाँ रेहान भाई को इम्प्रेस करने के लिए मैं घर बुला के 4-23 ग्रेड ऑफिसर बुला लूँ रेहान भाई इम्प्रेस, क्योंकि ये भी क्लास कॉन्शियस है मैं भी हूँ और 3 आए वो भी हैं। तो हम सबसे बेसिक चीज़ हमें ख़त्म करने की होगी ये हमारी जो क्लास कॉन्शियस है अंदर की, ठीक है कोई बड़ा आदमी अल्लाह ने उससे इज्जत दी है उससे बहस नहीं करो, लेकिन उसको इतना भी जाहिर नहीं करो कि यार हम सब जो है थर्ड क्लास हैं, क्योंकि यार अल्लाह ने तो सबको एक ही शेप में पैदा किया ना, किसी को कम, जैसे आपके राशन शॉप सिस्टम होता था जहाँ 8 होंगे उन्हें 8 किलो शक्कर मिलेगी या 2 होंगे उन्हें 2 किलो, वो सिस्टम तो एक अल्लाह का बना हुआ, लेकिन हमें ही चाहिए कि इसके ऊपर ना कंट्रोल करना चाहिए। और ये जितनी ये हवाई चीज़ें ना कि यार वो आ गया तो खड़े हो गए आए वो क्रिमिनल, लेकिन भाई इज्जत दो उसकी भी नज़रों में आ गया ये कौन है जो खड़ा नहीं हुआ, अब उसके बाद उसकी जान बचाओ भाई जान, ये ऐसी बेचारा देख नहीं सकता अंदर है वो भी जाके चेक करेगा है भी नहीं, यू नो। तो जब मैं जो मेन बुराइयाँ देखता हूँ ये है कि जी आपके यहाँ
क्लास कॉन्शियसपन इतना देखा है। एयरपोर्ट पे हम आते हैं ना, देखिए मैं ही पाकिस्तानी अमेरिकन जाता हूँ, बहुत बड़ा ऑफिसर भी है, मुझे कोई गर्ज नहीं है, मुझे पता है वो देखिए ही हैज़ टू स्माइल, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, वेलकम टू अमेरिका एंड हाउ इज एवरीथिंग, हाउ वाज योर ट्रिप, आर यू ओके, हाउ यू फील, ठीक है, मैं भी उसके जवाब देना, अब यहाँ आता हूँ, आप यकीन मानेंगे, आप पासपोर्ट दें मुझे, आप मेरा एक्शन देंगे, मैं इमिग्रेशन ऑफिसर हूँ, एक्सपीरियंस देख सर, ये पासपोर्ट दें, और कहाँ है ना NIC, कहाँ है NIC, आए तुम ये नहीं देखें, आप पब्लिक सर्वेंट हैं, स्माइल तो सर यार, हंस के तो बात करो, कोई इतनी दूर से थक के आ रहा है तुम्हारे मॉल्यूम में, उसको इतना स्माइली फेस तो दो, ये क्या खैरियत ही पूछ लो भाई, कैसे हैं आप, खैरियत से हैं कैसा, चलो ये नहीं पूछो सफ़र कैसा था, नहीं रूडली बात करनी है, हंसना नहीं, हंसना हंसे तो गुना मिलेगा, हंसना नहीं हंसे तो गुना मिलेगा, हंसना नहीं है, अभी आ रहा है तो, और जितने आप करीब आ रहे हो इमिग्रेशन ऑफिसर के उतने टाइट हो जा रहे हो उसके चेस्ट यूँ, अबे भाई रिलैक्स हो जा भाई, प्यार से बात कर ले, हंस हंस के बात कर ले, करती हूँ, और क्यों कि वो भी क्लास कॉन्शियस है, हाँ वो उसी इमिग्रेशन आदमी के पास उसके बॉस की फैमिली आ रही हो या उसका उसको जाएगा पोस्टर लिखा होगा, सर कैसे हैं आप आ जाइए, तो देखें ना कितना बिग डिफरेंस है यार, अब यानी ये चीज़ें जब, और ये बेसिक है हमारी एजुकेशन तो बाद में आएगी, देखें दो चीज़ों में बड़ा फ़र्क है, एजुकेशन और सलाहियत, किस किताब में लिखा है कि जी जब पांच लोग बैठे हो सिगरेट नहीं पियो, ये आप सीखते हो, ये सलाहियत है, किस किताब में लिखा है कि जब आपको डकार आ रही हो तो मुंह पे हाथ रखो, ये सलाहियत में आता है, डकार तो एक नेचुरल फैक्ट है वो तो आएगी, तो सलाहियत और एजुकेशन को मैं मिक्स नहीं करता, मैंने ऐसे एजुकेटेड लोग देखे कि जो खाना खाते उनकी आवाज़ आ रही होती है मुँह से, पानी भी बिना चाय सुड़सुड़ हो रही होती है, अब उसके एजुकेशन से कोई लिंक नहीं है कि मैं एजुकेशन को बुरा भला कहूँ, मैं बोलूँगा इसमें सलाहियत नहीं है, अब दो डिफरेंट वर्ड्स हैं, अब अगर आप गौर कर रहे हैं इस बात पे या नहीं कर रहे हैं तो हमारे यहाँ क्या मसला है कि मैं चाय खाना सिखाऊँगा क्या कहेंगे जाहिल है, नहीं भाई उसमें सलाहियत नहीं है, अब बास ऐसे भी देखें जिनमें एजुकेशन नहीं, उनकी बोलने की पावर ऐसी होती है और उनमें इतनी सलाहियत होती है कि आप देखेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे, क्यों क्यों ये अडॉप्ट करते हैं।